हेलो गाइस, सी इट वर्चुअल मौका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में देखने वाले हैं तो इसाबेला गुज़मैन के बारे में आज हम इस वीडियो बात करने वाले। इसाबेला गुज़मैन ये लड़की के बारे में बात करने ऐसा इससे क्या भी ये लड़की कर दी बोल के पूछेंगे तो इसाबेला गुज़मैन है कि अभी अमेरिकन मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्यों भी बोल के पूछेंगे तो वो सब देखने से पहले इसाबेला गुज़मैन का एक वीडियो आके इंटरनेट में बहुत ही वायरली शेयर हो रहा था, वो वीडियो को देखने के बाद स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। क्यों भी अच्छे तो दिख रहे, क्यों इनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करे, क्यों इनको एक अक्यूज जैसा अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आ रहे बोल के पूछेंगे तो इसाबेला गुज़मैन आके उनकी 18 साल के एज में उनकी ही मॉम को आके चाकू से 151 टाइम्स आके मार के बेसबॉल बैट से सर पे मार के उनके मॉम को ही आके मारे, वो भी एक या दो बार नहीं 151 टाइम्स आके मारे। इतना इनोसेंट दिखने वाले इसाबेला गुज़मैन आके उनके मॉम को ही आके क्यों मारे बोल के स्टार्टिंग से देखते हैं। सो 1995 में इसाबेला गुज़मैन आके अमेरिका में एक कपल को पैदा हुए। बचपन से ही आके बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पीएस्ट फैमिली थे उनकी बोल रहे। इसाबेला गुज़मैन आके जब 15 साल की थी तभी आके उनकी मम्मी पापा आके डिवोर्स करने के लिए आके सोचते और उनकी मॉम आके और एक पर्सन से आके शादी भी आके कर लेते। सो हम लोग मूवी में सब आके देखे रहेंगे ना, कोर्ट आके डिसाइड करता है किसके साथ आके वो बच्चे लोग आके रहने का बोल के। सो वैसे ही आके इसाबेला गुज़मैन की 15 एज से 18 एज तक आके ये प्रोसेस आके कोर्ट में आके जा रहा था, तो तभी आके फाइनली आके कोर्ट आके डिसाइड करता है कि उनकी मॉम के साथ जाके इसाबेला रहने का, उनके मॉम के साथ जाके स्टे करने का उनके कोर्ट आके फाइनली डिसाइड करता है। सो अभी उनके मॉम भी आके किसी और से शादी कर ले, अभी वो घर में आके इसाबेला, इसाबेला के मॉम और उनके स्टेप फादर थे। सो इसाबेला आके उनके मॉम से आके पूछते अपने पापा के बहुत ही अच्छे ही थे ना, क्यों इनसे शादी करें बोल के बहुत ही चिल्लाते। सो ऐसे ही करके आके बहुत दिन से आके इसाबेला के उनके मॉम से आके पूछते ऐसे करके आके चल रहा था। सो पर्टिकुलरली एक दिन क्या हुआ है देखे तो 2013 में इसाबेला आके उनके स्कूल से आके उनके मॉम को आके एक मेल करते, क्या करते देखे तो अब जो भी गलती कर रहे वो सब गलतियों को आके कर्मा जैसा आपको ही आके रिवर्स होगा बोल के बहुत ही गुस्से में आके उनके मॉम को आके मेल करते। उनके मॉम भी आके ऑफिस से वो मेल को देख के एज यूजुअल ये लड़की आके चिल्ला रही है बोल के वो मेल को देख के इग्नोर करके छोड़ दिए। सो इसाबेला आके मेल करने के बाद आके स्कूल से आके घर पर आती है और उनके मॉम भी आके ऑफिस से आके बहुत ही लेट आके घर पर आते। सो आते ही आके उनके मॉम आके नहाने के लिए आके बालकनी में चले जाते हैं। इसाबेला भी आके बालकनी में जाके मुझे आके ये पापा पसंद नहीं है, मुझे आके मेरे पापा ही आके चाहिए बोल के बहुत ही चिल्लाते। उनके मॉम भी आके इसाबेला को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से आके उनके मॉम आके उनके फर्स्ट हस्बैंड को आके कॉल करके बुलाते आप आके इधर आओ, इधर आके इसाबेला को आके समझो हम दोनों का सिचुएशन क्या है बोल के इसाबेला को आके समझाने के लिए आके बुलाते। इसाबेला के डैड आते, इसाबेला को घर के बाहर लेके जाके बैठ के बहुत ही समझाते तू आके अपनी मॉम की बात सुन, तू आके अपनी मॉम के साथ रहेगी तो यकीन बहुत ही सिक्योर है, मैं नहीं हूँ तो भी आके अभी आपके स्टेप फादर आके बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रहे, उनका बात भी आके सुन, तू आके अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई करके बहुत ही बड़े इंसान बन बोल के बहुत ही अच्छे से आके समझाते। सो ये सब सुनने के बाद आके इसाबेला आके ओके फाइन बोल के वापस घर के अंदर आके जाते हैं। वापस घर के अंदर जाने के बाद आके वापस और एक झगड़ा के स्टार्ट हो गया, इस बार आके उनके मॉम आके पुलिस को ही आके कॉल कर दिए। पुलिस भी आके इसाबेला को आके बहुत ही डरा थे, तू आके ऐसे ही करती रहेगी तो आपके मॉम की बात आके नहीं सुनेंगे तो आके आपके मॉम आके घर से बाहर भी आके जाने के लिए बोल सकते हैं आपको, क्योंकि आप आके अभी 18 साल के हो गए, अब आके बाहर चले जाओगे तो आके खाने के लिए और रहने के लिए भी आके जगह नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम को आके फेस करेंगे बोल के पुलिस भी आके इसाबेला को आके बहुत ही डरा थे। सो ये सब होने के बाद आके उनके मॉम आके एज यूजुअल आके कैजुअली वापस आके नहाने के लिए आके बालकनी में चले गए। सो ये सब होने के बाद आके उनके स्टेप फादर उनको भी आके समझ में आता है कि इसाबेला को आके घर पर आके रहने के लिए पसंद नहीं है, उनके पापा आके उनके साथ नहीं है, ये सब पेन को आके उनके अंदर रख के बहुत सारे स्ट्रगल को आके बहुत सारे प्रॉब्लम को आके फेस करिए उनके उनके स्टेप फादर को भी आके ये सब चीज़ आके समझ में आता है।
इसाबेला गुस्मैन की स्टेप फादर आके ग्राउंड फ्लोर में रहते समय आके डम बोल के एक साउंड आके आता है। ये क्या साउंड है बोल के बालकनी के बाथरूम में जाके देखते हैं, लेकिन बालकनी के बाथरूम आके डोर आके लॉक्ड था। सो डोर आके नॉक करते हैं, लेकिन डोर आके कोई भी ओपन आके नहीं कर रहे। सो डोर के नीचे आके एक छोटा सा गैप आके रहते हैं ना, सो उधर से कून आके बाहर आके आता है। सो वो देखने के बाद आके उनके आके बहुत ही डर के मारे आके पुलिस को जाके कॉल करते और डोर को आके नॉक करते, लेकिन कोई भी आके डोर को ओपन नहीं करे बोल के। डोर को तोड़ के अंदर जाके देखे तो इसाबेला गुस्मैन बोल के एक 18 साल की लड़की आके हाथ में चाकू रख के सिर्फ एक बिकनी ड्रेस पहन के आके खड़ी थी, और उनकी मॉम आके विदाउट एनी ड्रेस हर जगह आके बॉडी फुली आके कटा हुआ था और हर जगह से आके खून आके बाहर आ रहा था। ये देख के आके उनकी स्टेप फादर आके एक सेकंड आके बैक हो जाते कि क्या हो रहा है बोल के, उनको कुछ भी आके समझ में नहीं आता है। सो ये देखने के बाद आके इसाबेला गुस्मैन आके उधर से आके उनकी स्टेप फादर को आके देखे बिना आके ऐसी क्रॉस करके चले जाती है हाथ में आके चाकू लेके। सो उनके स्टेप फादर आके उनके वाइफ को कैसे बचाने का बोल के चेस्ट आगे प्रेस करके उनको आगे बचाने की ट्राई करते, लेकिन वो आके ऑलरेडी मर चुके बोल के मालूम पड़ता है। सो एज यूजुअल सब कुछ होने के बाद पुलिस आते हैं और पुलिस आके पूछते हैं कि वो लड़की आके किधर गए बोल के। वो लड़की आके हाथ में चाकू लेके विदाउट एनी प्रॉपर ड्रेस आके वो इधर से चले गए बोल के बोलते हैं। सो पुलिस भी आके घर के आजू बाजू में हर जगह पे ढूंढ के देखते हैं, लेकिन किधर भी आके इसाबेला गुस्मैन नहीं मिलती है। सो फाइनली आके घर के बाजू में रहने वाले शॉप में आके शॉप के लोग आके इसाबेला गुस्मैन को आके देखे बोल के मालूम पड़ता है। सो शॉप के लोग क्या बोल रहे देखे तो, वो लड़की आके उस दिन आके इधर आई थी, वो उसके बॉडी फुली आके ब्लड था, वो क्या बोल रही थी देखे तो, मुझे आके कुछ लोग आके बलात्कार करने के लिए आके ट्राई करे, मैं आके जैसे बचने के लिए आके वो लोग को मार के मैं जैसे बच के भाग के आ गई, इसके बारे में आके किसी को मत बोलो, इसके बारे में मालूम पड़ेगा तो पुलिस आके मुझे टॉर्चर करेंगे, मेरे पास आके कुछ भी पैसा भी नहीं है, मुझे आके सिर्फ ड्रेस दे के आके हेल्प करने बोलते, वो लोग भी आके ड्रेस दे के हेल्प करें। सो ये होने के बाद आके हम लोग आके न्यूज़ देखे तो तभी पता चला है कि एक लेडीज आके मरे बोल के, तो मे बी आके ये लड़की आके हो सकती है बोल के वो शॉप के ओनर्स आके बोलते। सो पुलिस भी मे भी वो लड़की आके इसाबेला गुस्मैन हो सकती है बोल के कन्फर्म करके इसाबेला गुस्मैन को आके ढूंढते, लेकिन तभी भी आके नहीं मिलती है। सो इसाबेला गुस्मैन आके उसके एयर कलर को चेंज करिए, उसके एयर को आके शॉर्ट करिए, उसके ड्रेस को आके चेंज करिए। सो दो दिन बाद आके इसाबेला के घर के बाजू में रहने वाले एक पार्किंग लॉट में आके एक लड़की आके खड़ी है बोल के मालूम पड़ता है। सो मे भी वो लड़की आके इसाबेला गुस्मैन हो सकती है बोल के डाउटफुली जाके अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम आके इसाबेला गुस्मैन नहीं है, मेरा नाम आके ये है वो है बोल के बोलती है। सो वो लड़की बोलती है कि मुझे आके छोड़ दो, मैं आके बहुत ही गरीब हूँ, मैं आके कुछ भी नहीं करी बोल के बोलते। सो पुलिस आके उसको अरेस्ट करके उसके फिंगरप्रिंट को सब चेक करके देखे तो वो आके इसाबेला गुस्मैन है बोल के मालूम पड़ता है। सो उसको आके अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोसीड करे तो तभी निकल गए वो वीडियो भी आके हम लोग आके वीडियो के स्टार्टिंग में आके देखे थे, वो वीडियो भी आके टिकटॉक में आके बहुत ही वायरल आके शेयर हो रहा था। सो इसाबेला गुस्मैन को कोर्ट में प्रोसीड करते और जज जाके डाउटफुली देखते हैं लड़की का रिएक्शन क्यों ऐसा है बोल के सोचते, क्योंकि एक अक्यूज को आके अरेस्ट करके प्रोसीड करते समय आके वो आके गलती को आके एक्सेप्ट करेगा तो ये आके उसको आके पनिशमेंट आके दे सकते, लेकिन ये लड़की आके असर ये बोल के सोच के उसको आके मेंटली आके चेकअप करने बोलते। सो मेंटली चेकअप करने के बाद ही पता चलता है कि इसाबेला गुस्मैन आके मेंटली आके स्ट्रांग नहीं है बोल के मालूम पड़ता है। इसका मेन रीज़न आके उनके मम्मी पापा का डिवोर्स आके हो सकता है बोल के बोल रहे। इसाबेला के पॉइंट ऑफ व्यू से आके उनकी मम्मी आके कुछ भी होगा तो आके उनके पापा को आके डिवोर्स करके किसी और को आके शादी नहीं कर सकते बोल के सोच रहे। उनकी मम्मी आके वो आके उनकी मम्मी नहीं है, वो आके किसी और कोई और है, उनकी मम्मी की जगह पे आके कोई और एक्ट कर रहा है, उनको आके मार देंगे तो हम लोग को आके ओरिजिनल मम्मी और पापा मिल जाएंगे बोल के सोच के उनके खुद के मॉम को ही आके 151 टाइम्स आके चाकू से काट के बैट से मार के मारे। अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं तो ये सब करने के बाद वो बच के भागने के लिए की कोशिश करी बोल के भी पूछे थे, लेकिन जज जाके वो मेंटली स्ट्रांग नहीं बोल के उसको आके मेंटल हॉस्पिटल में आके भेजने बोल दिए और 5 से 6 साल तक आके अमेरिकन मेंटल हॉस्पिटल में जाके इसाबेला गुस्मैन आके एडमिटेड है। सो गाइस ये था इसाबेला गुस्मैन की स्टोरी के बारे में था, इसके बारे में आके आपके पास शेयर करने के सोच रहा था। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो बोल के कमेंट में आके बोलिए। अगर मैं और किस टॉपिक में बात करना चाहिए तो वो भी आके नीचे कमेंट में बोलिए। अगर वीडियो चलो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।